आरोग्य जागृति। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज आ पहुंचे हैं अल्पाइन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो भीड़ बाईपास रोड पर स्थित है औरंगाबाद। आज हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है। आज हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ अल्पाइन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर शैलेश जयदे सर हैं, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी है। आज हम उनसे इस विषय को लेकर विस्तार में चर्चा करते हैं। सर, एंजियोप्लास्टी जो है ये किसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? जी नमस्कार। बेसिकली एंजियोप्लास्टी ये एक ट्रीटमेंट है। एंजियोप्लास्टी करने के पहले हमको एंजियोग्राफी करके देखना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट में जो तीन मेन नलियाँ होती है उसमें ब्लॉकेजेस कितने हैं। वो ब्लॉकेजेस पे आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी करना कि बाईपास करना। अगर एक या दो नलियों में ब्लॉकेज है तो हम एंजियोप्लास्टी सजेस्ट करते हैं। अगर एक दो से ज़्यादा ब्लॉकेज है, तीसरी नली में भी ब्लॉक है, तो हम यूजुअली बाईपास सजेस्ट करते हैं। बट ये डिपेंड करता है, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग ब्लॉकेज होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, उस हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि ये पेशेंट पर्टिकुलर पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो एंजियोप्लास्टी ये एक प्रोसीजर है जिसको हार्ट के अंदर हम लोगों को एक स्प्रिंग फिट करना होता है, जिसको हम स्टेंट बोलते हैं। तो एंजियोप्लास्टी में सपोज हमने डिसाइड कर लिया एंजियोग्राफी के बाद कि हाँ ये पेशेंट एंजियोप्लास्टी के लिए सूटेबल है, स्टेबल है, इसकी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, तो हम उसको पोस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। पोस्ट में हम उसको दो तीन घंटा, चार घंटा एनबीएम रखते हैं, जैसे कि नील बाय माउथ, पेशेंट को कुछ खिलाया नहीं जाता। फिर एंजियोप्लास्टी रूम, जिसको हम कैथ लैब बोलते हैं, वो रूम में हम पेशेंट को लेके जाते हैं। उसमें पर्टिकुलर जो दवाइयाँ है वो सब देके उसका एक एनेस्थेटिस्ट हमको स्टैंड बाय लगता है। यूजुअली हम एनेस्थीशिया देने का काम नहीं पड़ता है, हम लोकल एनेस्थीशिया ही करते हैं, पर एक स्टैंड बाय हम यूजुअली रखते हैं कि कभी पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कुछ ज़रूरत पड़े, तो एक स्टैंड बाय एनेस्थेटिस्ट हम रखते हैं। उसके बाद पेशेंट को प्रॉपरली हम एंजियोप्लास्टी के दो तरीके होते हैं, एक तो हम हाथ से कर सकते हैं, एक तो हम पैर से कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर जो पॉपुलर हो रहा है वो हाथ से करना है, क्योंकि पेशेंट को उसमें कम से कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और जल्दी से जल्दी पेशेंट उठ के बैठ सकता है, चल फिर सकता है। पैर से करो तो पेशेंट को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रेट, ब्लीडिंग वीडिंग का रिस्क रहता है, प्लस पेशेंट को एक 6 से 8 घंटा पोस्ट एंजियोप्लास्टी बेड से हिलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाथ से करना है, पैर से करना है, जो भी सूटेबल है, हाथ से अगर करना है तो हम पेशेंट को हाथ में फिर एक छोटी सी पाइप बोलते हैं जिसको हम शीत कहते हैं, वो शीत डाल के उसके थ्रू हमको एक गाइड वायर के थ्रू हम एक गाइड कैथेटर अंदर डालते हैं। कैथेटर के थ्रू हम एक कॉर्नरी वायर रहती है छोटी सी, जिसके थ्रू हम ब्लॉक को क्रॉस करते हैं। ब्लॉक को क्रॉस करने के बाद हमको वो जहाँ पे भी ब्लॉक है वहाँ पे एक बलून से वो जो ब्लॉक है उसको पहले तो बड़ा करना होता है। तो बलून देके हम वो ब्लॉक को डायलेट करने की कोशिश करते हैं वो वेसल को, ताकि ब्लॉक कम हो जाए और हमको हमारा स्टेंट जाने को जगह हो जाए। उसके बाद हम बलून को निकाल देते हैं, डिफ्लेट करते हैं और निकाल देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप होती है स्टेंट को प्लेस करना। स्टेंट को हम सेम छोटी सी गाइड वायर होती है जिसके ऊपर हम, जिसको कॉर्नरी वायर बोलते हैं, उसके ऊपर हम स्टेंट को लेके जाते हैं, वहीं पे ब्लॉक पे एक प्रॉपरली प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद हमको उसको अगेन सेम प्रोसीजर बलून से इन्फ्लेट करते हैं। उसके बाद बलून हम डिफ्लेट करके, बलून तो निकल जाता है, स्टेंट अपने जगह पे पर्टिकुलरली फिक्स हो जाता है और उसके बाद वो ब्लॉक निकल जाता है। सर, इस्केमिक डिजीज में क्या एंजियोप्लास्टी की जाती है? जी, यूजुअली इस्कीमिक डिसीज में ही एंजियोप्लास्टी इंडिकेटेड रहता है, बट जैसा मैंने आपको बोला कि एंजियोग्राफी पे डिसाइड करते हैं हम लोग कि ब्लॉकेजेस कितने हैं और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है कि बाईपास की ज़रूरत है। जिसमें इस्कीमिक डिसीज, जैसा आपने कहा कि उसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो वो ब्लॉक से हो रहा है ऑब्वियसली, तो कितने ब्लॉक से हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। एक नली से में ब्लॉक से हो रहा है, दो नलियों में ब्लॉक से हो रहा है कि तीनों नलियों में ब्लॉक से हो रहा है। सपोज ये तीनों नलियों में ब्लॉक से होता है तो हमको एक बाईपास, एक जो ट्रीटमेंट है जो सबको मालूम है वो हम उसको सजेस्ट करते हैं। पर अगर एक या दो नलियों में ब्लॉक है या फिर पेशेंट का एंजियोप्लास्टी हो सकती है पॉसिबल, तो हम यूजुअली एंजियोप्लास्टी सजेस्ट करते हैं और एंजियोप्लास्टी करते हैं। सर, हम कैसे समझे कि हमें एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है? एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है ये एंजियोग्राफी के बाद हम ब्लॉक्स देख के, जैसे कि यूजुअली 70% के ऊपर ब्लॉक है तो हम एंजियोप्लास्टी सजेस्ट करते हैं। 70% के नीचे ब्लॉक्स किसी को रहते हैं तो हम यूजुअली मेडिसिन पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अनलेस पेशेंट को अटैक आया हो
या पेशेंट को बहुत ही सिम्टम्स है, तो हम 60-65 में भी हम डिसाइड कभी कभी कर लेते हैं कि नहीं, एंजियोप्लास्टी की शायद पेशेंट को ज़रूरत है, पर नहीं तो हम 70% के ऊपर ब्लॉक्स है तो उसमें एंजियोप्लास्टी सजेस्ट करते हैं, 70 के नीचे हम यूजुअली मेडिसिन पे रखते हैं पेशेंट को। पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के लिए आने से पहले किस तरह का प्रिपरेशन करके आना चाहिए? बेसिकली दो टाइप के एंजियोप्लास्टी होती है, एक तो होती है इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जो कि पेशेंट को अटैक के ड्यूरिंग हम करते हैं। उस समय तो पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आता है, बहुत ही यूजुअली सीरियस रहता है हम बोल सकते हैं, तो उस समय तो पेशेंट डायरेक्टली हमको हमारे पास आता है, हमको अटैक दिखता है ईसीजी पे और हम उनको सजेस्ट करते हैं कि नहीं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। तो उसमें पेशेंट को प्रिपरेशन वगैरह हमको देखने की हम उतना टाइम नहीं रहता है, हमारा है इतने जल्दी एंजियोप्लास्टी हो जाए जिसको हम 90 मिनट्स बोलते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि 90 मिनट्स में हमारी एंजियोप्लास्टी कंप्लीट हो जाए। उसके दूसरा ये रहता है कि इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी। इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी मतलब हम एंजियोग्राफी किया है, पेशेंट स्टेबल है और जब हम नेक्स्ट डे या थर्ड डे फोर्थ डे जब भी हम पेशेंट को बुलाते हैं एंजियोप्लास्टी के लिए, तो उसमें हम पेशेंट को पूरी मेडिसिन की लिस्ट देते हैं, वो मेडिसिन की लिस्ट लेके पेशेंट मेडिसिन का अपना पूरा लेके आता है। एक एंजियोप्लास्टी के एक दिन पहले हम एक क्लोपिडोग्रेल करके सबसे इंपॉर्टेंट दवाई जो हमारी होती है जिसको हम ब्लड थिनर बोलते हैं, एंटीप्लेटलेट, वो या फिर अभी नए नए बहुत सारी मेडिसिन आई है उसमें से कोई भी हम एक दवाई उनको लोडिंग डोज के तरह रात को दे देते हैं और नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग पेशेंट को जब लेते हैं तो उनको 4 घंटा हम नील बाय माउथ मतलब खाली पेट 4 घंटा हम लोग पेशेंट को टेबल पे लेते हैं। इसके अलावा ज़्यादा एंजियोप्लास्टी में ज़्यादा कुछ ये नहीं लगता है हमको प्रिपरेशन। अब एंजियोप्लास्टी में बहुत सारे पेशेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि स्टेंट्स कौन से है, स्टेंट्स कौन से यूज़ करने चाहिए, तो मैं बोलना चाहूँगा कि 2 प्रकार के बेसिकली स्टेंट होते हैं, एक तो बेयर मेटल स्टेंट है और दूसरे जो स्टेंट होते हैं वो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट है। बेयर मेटल स्टेंट्स यूजुअली अभी आउटडेटेड है, अभी यूज कहीं पे यूज़ ज़्यादा होते नहीं हैं क्योंकि उसमें रिस्क का कॉम्प्लिकेशन रिस्टिनोसिस रेट थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेरेटिवली, इसलिए आजकल जो भी यूज़ होते हैं वो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स यूज़ होते हैं। और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स में एक पर्टिकुलर उसमें दवाई कोटेड रहती है स्टेंट के ऊपर जो कि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 4-6 वीक्स वहाँ पे डिजॉल्व होती है और स्टेंट को फिर से ब्लॉक ना होना चाहिए उसमें हेल्प करती है। तो इस प्रकार से 2 टाइप के जो स्टेंट है उसमें ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट हम यूजुअली पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। स्टेंटिंग में आप जैसे पूछ रहे थे कि स्टेंटिंग में कॉम्प्लिकेशन भी होता है कि दोबारा ब्लॉक होना, तो दोबारा ब्लॉक होना ये एक स्टेंट का कॉम्प्लिकेशन है। आज तक कहीं पे वर्ल्ड में ऐसा कोई स्टेंट नहीं बना जिसमें फिर से ब्लॉक ना हो, इसकी कोई गारंटी है। तो अभी नए नए अच्छे क्वालिटी के स्टेंट्स जो भी आ रहे हैं उसमें less than 2% से भी कम रिस्क है कि उसमें फिर से ब्लॉक तैयार हो। तो ये ब्लॉक तैयार ना हो इसके लिए हम जो बेस्ट अवेलेबल स्टेंट होता है वो यूज़ करते हैं, जिसमें कि नए प्रकार की दवाई रहती है जैसे कि सिरोलिमस है, इवोरोलिमस है और जेटोरालिमस है। ये 3 नए प्रकार की जो मेडिसिन्स उस पर कोटिंग रहती है, इसमें कोई भी एक जो बेस्ट अवेलेबल है हमारे पास वो हम यूज़ करते हैं जिससे स्टेंट का रिस्टिनोसिस हम बोलते हैं, जाके उस जिसका कहना है कि दोबारा से ब्लॉक होना वो ना हो उसका हम इसके लिए हम ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। सर, स्टंट्स को लेकर काफ़ी चर्चा है कि जिस तरह से स्टंट्स की जो प्राइसेस है वो कम होनी चाहिए, लेकिन आम तौर पे जो है उसे 1.5-2 लाख में बेचा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के हमने स्टंट्स लेना चाहिए? एक गरीब पेशेंट अगर होता है तो किस तरह के स्टंट्स उसके लिए अच्छे होते हैं? देखिए 1.5-2 लाख में तो अभी कोई स्टेंट मिलता नहीं है, वर्ल्ड का बेस्ट स्टेंट भी इंडिया में अभी कुछ 30,000 प्लस टैक्स के ऊपर अभी एक फिक्स रेट किया है गवर्नमेंट ने। जो बेस्ट ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी मिलता है वो हमको इंडिया में 30,000 रेट में मिल जाता है और यूजुअली वही ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट हम यूजुअली लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये लेना चाहिए और उसी रेंज में। अब वो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे रेट्स हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा उधर 1-2-3 हज़ार का फर्क में, पर जो स्टेंट्स अवेलेबल है आज इंडिया में या हमारे हॉस्पिटल में वो एक बेस्ट स्टेंट्स अवेलेबल है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी टाइप के स्टेंट्स यूज होते हैं, वही कंपनी के यूज होते हैं, वही हम इंडिया में भी यूज़ कर रहे हैं और अब काफ़ी कम रेट में हम यूज़ कर रहे हैं उसको। सर जी, एंजियोप्लास्टी होने के बाद पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और किस तरह से उसे डाइट लेना चाहिए? बेसिकली एंजियोप्लास्टी होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मेडिसिंस।
मेडिसिन कॉम्प्लायंस हम बोलते हैं, मतलब रेगुलर टाइम पे मेडिसिन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियल तीन महीने में, पहले तीन महीने में जब हम स्टेंट का एंडोथेलाइजेशन हम जो बोलते हैं जिसमें सेल की एक परत बन जाती है, वो होने तक एक दिन का मेडिसिन भी मिस करना ये पेशेंट को बहुत हानिकारक हो सकता है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस होके, स्टेंट बन पड़ के पेशेंट फिर से अटैक के साथ हमारे पास आ सकता है। इसलिए ये मेडिसिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एकदम रेगुलरली रोज लेना ही चाहिए। उसमें स्टेंट्स की जो मेडिसिन है वो यूजुअली तो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, पर पहले तीन महीने थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। यूजुअली एक साल तक हम ज़्यादा मेडिसिन देते हैं, एक साल बाद हम काफ़ी कम मेडिसिन कर देते हैं, पर ये मेडिसिन फाइनली लाइफ लॉन्ग लेना है, कभी बंद यूजुअली हम नहीं करते अनलेस कोई ऑपरेशन हो या कुछ और इंडिकेशन हो, पर ये मेडिसिन उनको लाइफ टाइम लेना है। दूसरा प्रिकॉशन है डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम बोलते हैं। तो डाइट में कम से कम लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल का जो डाइट होता है, जो कि हम जिसको बोलते हैं कि मलाई थोड़ा कम कर दो, या नॉनवेज हम यूजुअली अवॉइड करने बोलते हैं, या हाई फैटी फूड जो बोलते हैं, या पैक्ड फूड हम बोलते हैं थोड़ा अवॉइड करो, नमक हम थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा कम मसाले का हम मेडिसिन ये खाने के लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं। उसके अलावा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग अगर पेशेंट लेता है, टोबैको अगर च्यूइंग है तो ये बंद करना है सबसे पहले, तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मोकिंग तो तंबाकू खाने वाले लोगों को स्टेंट सूट नहीं होते हैं और वो एलर्जिक रिएक्शन से स्टेंट्स बंद होने की रिस्टिनोसिस की रिस्क बढ़ जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज या हम बोलेंगे कि इंडियन पॉपुलेशन में ये जनरल वॉकिंग भी अगर कर ले हम 30-40 मिनट्स वॉकिंग, या फिर 25 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग भी हम कर ले, या फिर रनिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर एंजियोप्लास्टी, क्योंकि उसमें फिर से दोबारा ब्लॉक होने की रिस्क बोलो, या थोड़ा वजन भी कम कर लो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स ने डायबिटीज़ के मेडिसिन बोलो या इंसुलिन बोलो, बहुत ही रेगुलर लेके उसको शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। एंजियोप्लास्टी जो है कौन कौन से योजनाएँ में आती है? एंजियोप्लास्टी देखिए, जो भी योजनाएं अवेलेबल है इंडिया में मैक्सिमम योजना में कवर होती है, जो भी इंश्योरेंसेस अवेलेबल है अपने अपने यहाँ पे, उनमें सब इंश्योरेंस में एंजियोप्लास्टी कवर होती है। गवर्नमेंट की जो स्कीम है अभी महात्मा फुले आरोग्य योजना, उसमें भी एंजियोप्लास्टी कवर होती है। और इसके अलावा अभी नई नई स्कीम्स और आने वाली है, सेंटर की स्कीम आने वाली है, तो उसमें भी एंजियोप्लास्टी प्रोबेबली कवर होने की संभावना है। देखा दोस्तों, डॉक्टर शैलेश जयदे सर ने बखूबी हमें एंजियोप्लास्टी के बारे में बताया है कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है, किस तरह से हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, मेडिकेशन लेना चाहिए, और स्टंट्स के बारे में बहुत अच्छी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। स्टंट्स जो है 30,000 के भी आते हैं, वो अगर यूज़ करते हैं अगर पेशेंट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हम उनका एजी न्यूज़ के परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये कीमती वक्त दिया है।